हेलो फ्रेंड्स, लैब ऑन लैपटॉप की वर्चुअल लैब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और एनसीईआरटी का 9th स्टैंडर्ड का वर्चुअल एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं, जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट नंबर है 2.1। सेकंड चैप्टर यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो पदार्थ जो चीज़ें दिख रही है वो प्योर है, वो क्या शुद्ध है, ये आपके चैप्टर का नाम है। और उसमें से वो चैप्टर में से ये पहली एक्टिविटी जो है जिसका नंबर मैंने आपको बताया 2.1, और जो एक्टिविटी का नाम है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ हम दोस्तों दो मिक्सचर को चेक करने जा रहे हैं कि ये कोई दो चीज़ें, कोई दो पदार्थ अगर हम मिक्स करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये मिक्स होगा क्या, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मिक्स न हुआ तो क्या होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है यहाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जो मिक्स होता है और जो मिक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए, आपको पहले बीकर के ऊपर दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, उसकी क्वांटिटी जो है वो दूसरे बीकर के ऊपर जो कॉपर सल्फेट दिया हुआ है उससे करीब करीब आधी है, और दूसरे बीकर पर जो कॉपर सल्फेट दिया गया है उसकी क्वांटिटी ये पहले बीकर के ऊपर जो कॉपर सल्फेट दिया गया है उसकी क्वांटिटी से लगभग डबल है। तो ये दोनों बीकर है, वो दोनों बीकर में हमें ये कॉपर सल्फेट मिक्स करना है। यहाँ एक ग्लास दिया गया है, वो ग्लास के अंदर हम दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है डिस्क, उसमें हमने कॉपर सल्फेट और टेबल सॉल्ट सिंपल नमक जो है वो एक साथ मिक्स किया हुआ है, और ये आपकी स्पैचुला है, उससे हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया गया है। तो ये मैंने जैसे आपको ये चारों चीज़ें समझाई, यहाँ आपके लिए एक रिस्टोर बटन है, आप ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट दूसरी बार रिपीट करना चाहे तो फिर से यही पोजीशन में ये आ जाएगा, ये रिस्टोर बटन क्लिक करने से। यहाँ आपका ऑब्जर्वेशंस आपको नोट डाउन करना है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, और यहाँ हेल्प है। हेल्प जो है वो भी आप अपनी तरीके से सीख सकते हैं, अगर कोई आपको समझाने वाला नहीं है तो भी वो हेल्प इस तरीके से बनाई गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट बिकर है उसमें हम डालने की कोशिश कर रहे हैं ये कॉपर सल्फेट। तो ये स्पून जो है उसके ऊपर हम सिर्फ क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हमने मिक्स कर दिया। तो कॉपर सल्फेट धीरे 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 घुल मिल रहा है, वो मिक्स हो रहा है पानी के साथ, ये देखिए। अभी हम दूसरी चम्मच, जिसमें पहली चम्मच से लगभग डबल कॉपर सल्फेट लिया गया है, उसको क्लिक करके उसको पानी में डालेंगे। तो ये पानी में डाल दिया, अभी ये शुरू हो गया मिक्सअप होना, देखिए अच्छी तरह से देखिए, ये मिश्रण और ये मिश्रण, ये मिक्सचर और ये मिक्सचर, दोनों ही कॉपर सल्फेट है, दोनों ही पानी के साथ मिश्रित हुए हैं। लेकिन आपको पता चलेगा कि ये जो है ये थोड़ा लाइट कलर है और ये जो है थोड़ा डार्क कलर है। कॉपर सल्फेट का थोड़ा ज़्यादा कलर यहाँ आपको दिखाई देगा, इसकी डार्कनेस ज़्यादा है कॉपर सल्फेट की, और यहाँ थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ जो है कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी ये बीकर के कॉपर सल्फेट के कंपैरिजन में आधा थी, यानी कि कम थी। तो ये थोड़ा लाइट कलर हुआ और ये थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर हुआ, लेकिन ये दोनों ही पानी में आराम से इजीली मिक्सअप हो गए। तो पानी और कॉपर सल्फेट का जो ये मिश्रण हुआ, जो एक दूसरे के साथ आराम से मिश्रित हो सकता है, मिक्स हो सकता है, वो मिश्रण को होमोजीनियस कहते हैं, कि वो अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं होमोजीनियस। लेकिन ये तो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने वाले पदार्थों की बात हमने की, इसके और एग्जांपल है पानी और दूध, शरबत और पानी, ये सब जो है ये सब
आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो होमोजीनियस है, एक दूसरे के साथ आराम से मिक्सअप हो जाते हैं। अभी ये देखिए, यहाँ एक ग्लास में हमने कुछ लिया हुआ है, आप ग्लास पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या लिया गया है। ये देखिए, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए क्या है, वाटर प्लस ऑयल। वाटर के ऊपर हमेशा ऑयल जो है वो फ्लोट होएगा, वाटर जो है वो ऑयल के साथ कभी भी मिक्स नहीं हो सकता है, आप समझते हैं। वाटर के एंड वाटर ग्लास के अंदर अगर थोड़ा पानी है और उसके ऊपर आप तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, तो दोनों की अलग अलग सरफेस आपको इसी तरह दिखाई पड़ेगी। ये दोनों यहाँ जो पानी और कॉपर सल्फेट एकदम मिक्स हो गए, उस तरह मिक्स नहीं होंगे। ये पहला एग्जांपल जो हमने लिया लिक्विड के लिए, ये दोनों ही लिक्विड है लेकिन ये दोनों अलग अलग रहते हैं। ये देखिए, ऊपर ऑयल ऐसे ही पड़ा हुआ है, नीचे पानी ऐसे ही पड़ा हुआ है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। और यहाँ हमने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट प्लस सॉल्ट, नमक के साथ हमने मिक्स किया हुआ है। यहाँ जो आपको वाइट ग्रेन्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सब सॉल्ट है, और जो ये वायलेट जैसे कलर के आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ब्लू कलर के, वो सब कॉपर सल्फेट है। अभी स्पेचुला से आप चाहे कितना भी उसको मिक्स करेंगे, कितना भी मिक्स कर दें, कितना भी उसको हम गोला मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग ही रहेगा। ये देखिए, किसी भी सूरत में ये दोनों कलर सॉल्ट और कॉपर सल्फेट जो है मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी कीजिए, ये जो आपका है वो पदार्थ यानी के सॉलिड और ये लिक्विड, ये दोनों का हमने एग्जांपल दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमने कहा होमोजीनियस, तो इसको बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में हिटरोजीनियस। ये मिश्रण जो है, ये मिक्सचर जो है, वो दोनों ही हिटरोजीनियस है, जो एक दूसरे के साथ मिल घुल मिल नहीं पाते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, इसको हिटरोजीनियस पदार्थ कहते हैं, हिटरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स का। आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने हाथों से ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आपके घर में कंप्यूटर पर कर सकते हैं, ये वर्चुअल लैब पर। इसी तरह हम अलग अलग कंप्यूटर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाकर आपके सामने लाते हैं जो आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप अगर रिपीट करना चाहे, ये रिस्टोर बटन जो है उसको क्लिक कर दीजिए, सब पहले की पोजीशन में आ जाएगा, सब रिस्टोर हो जाएगा, आप पहले से आपका ये एक्सपेरिमेंट चालू कर सकते हैं। तो ये था हमारा NCERT 9 स्टैंडर्ड की एक्टिविटी नंबर 2.1, जो चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा। बहुत जल्दी हम दूसरी एक्टिविटी लेकर आएंगे। हम अपेक्षा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा। हमारा कॉन्टैक्ट है labonlaptop@gmail.com, अगर आप चाहे ये हमारा सॉफ्टवेयर खरीदना तो आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।